नमस्ते, मेरा नाम संदीप है। आज मैंने इस वीडियो में बताया है आप सबको, अगर आपका फोन पे में पेमेंट कट गया, पैसा कट गया और वो पैसा सामने वाले के पास भी नहीं गया, पेमेंट प्रोसेसिंग में जाके रुक गया और आपके बैंक अकाउंट से पैसा खत्म हो गया, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस कैसे आएगा, ये मैंने वीडियो बताया है। घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग काफी सेफ है और अच्छा चीज है मतलब। लेकिन ये सब होने के बाद ना लोग नफरत करने लगते हैं यार कि मतलब पैसे भेजेंगे नहीं, ये वो नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ये सब देखो अच्छी चीज है, लेकिन हाँ ये सब हो जाता है, थोड़ा मूड खराब होता है। लेकिन हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। जो भी जानकारी मैं आप सबको बताता हूँ, उन सब जानकारियों को ना अपने दोस्तों के साथ भी भेजा करिए, ताकि वह भी इन सब बारे में जान पाए। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर बटन पे दबा के ना ये सब्सक्राइब वाला जो दिख रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो शेयर का भी बटन है, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में दोस्त के साथ, सब जगह। कमेंट में लिख दीजिए फोन पे पेमेंट फेल सॉल्यूशन, ये कमेंट में लिख देना है। दूसरा कमेंट करिएगा जो आपको दिक्कत है, जो आपके फोन में हुआ, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रॉब्लम तो 100% ठीक होगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ना निराश होकर नहीं जाओगे। तो चलिए, अब ज्यादा ही मैंने बात कर लिया, ट्रिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले फोन पे को ओपन करना है, जो भी आप फोन पे यूज करते हैं, जो भी मोबाइल में यूज करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मिल जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सेंड करने के लिए, चेक बैलेंस करने के लिए। तो चेक वेक तो आप ये सब जानते हैं। यहाँ पर नीचे मिल जाता है हिस्ट्री, हिस्ट्री पे क्लिक करिए। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर चीजें दिख जाएगी, जितना भी आज तक आपने पेमेंट किया होगा, पैसा भेजा होगा, सब दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, 12 अगस्त को इसको जो है पैसा सेंड किया गया, और अलग अलग दिन में अलग अलग आदमी को सेंड किया गया। हमें फेल वाले से मतलब है, जो फेल हो गया वो कैसे वापस आएगा। तो यहां पर देखिए फिल्टर मिलता है, फिल्टर दिख रहा है ना, फिल्टर पे क्लिक करिए और नीचे दिख रहा है यूपीआई बैंक अकाउंट फेल सक्सेसफुल, हमें फेल का चाहिए, फेल वाला चाहिए, ठीक है। फेल पे क्लिक कर दिए, अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए जो आपका पेमेंट फेल हुआ है, वही सब दिखेगा। सब में देखिए ना ये लाल लाल दिख रहा है ना, फेल ये सब दिख रहा है। तो जो आपका फेल हो गया देखिए उस पर क्लिक करना है। मेरा ये फेल हुआ था कितने तारीख को, पैसा कट गया और वापस भी नहीं आया, 27 तारीख को। आपको भी डेट दिखेगा यहाँ पे, तो आप देखिए इसको वापस लाने के लिए ना सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे जो पेमेंट मेरा फेल हुआ यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ऊपर में प्रॉब्लम भी दिखा रहा है लाल कलर का लिखा हुआ, और ऊपर में लिखा रहा है ट्रांजेक्शन फेल। तो अब इस पैसे को वापस लाने के लिए देखिए सबसे पहले तो इसका फोटो एक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दो बटन को एक साथ दबाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। खैर आप जानते होंगे स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया जो नहीं जानते हैं। फोटो लेने के बाद ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे तो आपका हो गया, कॉपी आपने कर लिया, मतलब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब यहाँ पे ये पेमेंट दिख रहा है, किसको पेमेंट किया गया था, नीचे किस बैंक से किया गया वह भी दिख रहा है। तो अब देखिए ये चीज करने के बाद ना आपको सबसे पहले तो 48 घंटे का इंतजार करना है, 48 घंटे या तो 48 घंटे में आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो 72 आवर, मतलब कि टोटल 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, इंतजार करिए। अब देखिए उसके बाद का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। इंतजार करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है, देखिए 99% केस में पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन मान लेते हैं आपको 3 दिन के बाद भी पैसा नहीं मिला और बैंक से पैसा कट गया, तब क्या करना है। तो दोस्तों यहां पर तो खैर कॉन्टैक्ट फोन सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। आपको अगर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इंग्लिश में कमजोर हैं, इंग्लिश नहीं आता है आपको, तो आपको इसका फोटो जो आपने लिया उसको लेके आपको बैंक में चले जाना है। बैंक में ये ट्रांजेक्शन आईडी, क्योंकि मोबाइल दीजिएगा तो मोबाइल में बैंक वाला नहीं देखेगा, तो इसलिए जब आप फोटो कॉपी करा करके जाइएगा ना तो उसको बोलिए ये ट्रांजेक्शन आईडी है, हमने पेमेंट किया और पैसा जो है फेल हो गया, तो वो आपको सॉल्यूशन बता देगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा,
एक सप्ताह भी लग सकता है, क्योंकि बैंक वाले को और भी काम रहते हैं, इस वजह से वो आपके काम को शायद इग्नोर करे। हाँ, लेकिन आपका काम वो 100% करेगा, क्योंकि ये काम करने की जिम्मेदारी उसी का है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंतजार जरूर कर दीजिएगा। अब ये आपको लास्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको जो है इस वीडियो को पहले लाइक कर देनी है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दें, और कमेंट में लिख दीजिए फोन पे पेमेंट सॉल्यूशन। अगर आपने शुरू में कमेंट कर दिया था तो अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया था तो कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपका अलग से प्रॉब्लम है वह भी लिख दीजिए, ताकि मैं आपके वीडियो के ऊपर, आपके कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तब तो ना, जैसे कि आपको जो दिक्कतें होगी, क्या पता वो और लोगों के साथ दिक्कतें हो, तब तो हम उसके ऊपर वीडियो बना पाएंगे ना। अगर आप चाहते हैं दूसरा वीडियो जानना कि कैसे पैसा अगर दूसरे के बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल भेजा जाएगा, मतलब सक्सेसफुल सेंड हो गया दूसरे के बैंक अकाउंट में, तो उस पैसे को वापस कैसे लाएंगे, तो ये जो वीडियो आप देख रहे थे ना, यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो को तो भेज ही देना है, उसमें मैंने बताया है पेमेंट अगर कट गया, दूसरे बैंक में चला गया, तो उसका भी सॉल्यूशन। तो ये देखिए, आईफोन एंड्रॉइड सबके लिए सेम सॉल्यूशन है,